नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे पटना और दीनदयाल उपाध्याय स्टेशनों के बीच की दूरी को लेकर। पटना से आरा बक्सर होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलखंड पर दोनों ही गति सीमा बढ़ा दी गई है। अब इस रेलखंड पर गति सीमा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर दी गई है। बता दें कि वर्तमान में इस रेलखंड की गति सीमा 130 किलोमीटर निर्धारित की गई है, लेकिन कई जगह स्लीपरों का पुराना होने के कारण इस गति सीमा का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए रेलवे पुराने स्लीपरों को बदले और नए ट्रैक की मरम्मत का काम तेजी से कर रहा है। इस रेलखंड पर जैसे ही ट्रेनों की स्पीड को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्वीकृति दी गई, सुपरफास्ट ट्रेनें पटना से बक्सर की दूरी एक घंटे भी से भी कम समय में पूरी कर सकेगी। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की दूरी सवा से डेढ़ घंटे में पूरी हो जाएगी। बता दें कि वर्तमान में इसी रेलखंड पर ट्रेनों के सफर पूरा करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। वर्तमान में इस रेलखंड पर ट्रेनों को चलाने के लिए स्पीड में बदलाव करना पड़ता है। इसका कारण है कि पुराना स्लीपर होने के कारण जो है इस तरह की दिक्कतें सामने आती है। अब जो है रेलवे की तरफ से यह कहा गया है कि पुराने स्लीपरों को बदला जाएगा, नए स्लीपर लगाए जाएंगे। नए स्लीपर लगने के साथ साथ उसकी स्पीड में भी बढ़ोतरी होगी और यह स्पीड 150 के पास पहुंच जाएगी। वर्तमान में इस रेलखंड के कई स्टेशनों पर कार्य जारी है। पिछले दिनों इस रूट में यानी कि इसी रेलखंड में 64 स्टेशन पर कार्य बाधित रहने के कारण कई ट्रेनें रोकी गई। इसके साथ ही कई ट्रेनों को जो है घंटे भर की देरी हुई और कई मेल एक्सप्रेस को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इधर रेलवे की तरफ से एक और बड़ा अपडेट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जबलपुर मंडल की कटनी और सिंगरौली के बीच में रेलखंड दोहरीकरण होने के कारण कई ट्रेनों को जो है अगले आदेश तक के लिए रद्द किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 22166 सिंगरौली भोपाल एक्सप्रेस 1, 3, 8 और 10 फरवरी को रद्द कर दी गई है। वहीं 22167 और 68 सिंगरौली हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस का भी परिचालन जो है 30 जनवरी एवं 26 फरवरी को जो है रद्द कर दिया गया है। 11448 और वही 11147 हावड़ा जबलपुर हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन जो है 6 फरवरी और 15 फरवरी के लिए रद्द किया गया है। वहीं 13025 हावड़ा भागलपुर एक्सप्रेस का परिचालन भी जो है 7 फरवरी को रद्द किया गया है। 13026 भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन भी जो है 9 फरवरी के लिए रद्द कर दिया गया है। तो एक तरह से कहना है कि रेलवे की पटरियों पर काम चल रहा है। बिहार के कई ऐसे मंडल हैं जहां पे जो है रेलवे के काम चल रहा है। इसके कारण जो है कई ट्रेनों में एक तो रद्द कर दी गई है, कई ट्रेनों के परिचालन में देरी हो रही है। अब जो इधर खबर सामने आई है वो जबलपुर कटनी सिंगरौली को लेकर है, जिसमें रेलखंड में दोहरीकरण के कारण भी जो है कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई पटना और दीनदयाल उपाध्याय को लेकर, इसमें जो सफ़र पहले जो यात्री तय करते थे उसमें 3 से 4 घंटे का लगता था, लेकिन अब जो है रेलवे ने साफ तौर पर कहा है कि 1.5 से 2 घंटे का समय जो है आपका बच जाएगा। तो इसकी गति सीमा जो है 150 किलोमीटर होने के बाद अब यात्रियों को सफ़र जो है आसान हो जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।